हाँ जी गाइज, चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। आज मेरे पास काफ़ी टाइम से एक मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे, भी बच्चों ने कमेंट भी करी थी यूट्यूब पे कि सर आपने ना लेक्चर तो सारे डाल दिए हैं कैश फ्लो के, बट आप एक बार ना न्यूमेरिकल्स भी करा दो, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, जैसा आप लोग पसंद करें, हम तो आपकी सेवा में हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस थे हर एक एक्टिविटीज़ के, वो तो लेक्चर्स के साथ ही आई थिंक डाले थे, ठीक है ना। और अब जो है एक दो पहले विदाउट एडजस्टमेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये विदाउट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है फुल लेंथ के, हालांकि ये भी क्वेश्चन आया हुआ एक क्वेश्चन है, 4 इन 2014 ये लिखा हुआ है आपका, है ना। कैसे करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन वो भी देखेंगे, पूरा फुल लेंथ का क्वेश्चन है, आ सकता है ये क्वेश्चन, 6 मार्क्स में आता है। एडजस्टमेंट भी बस अगर आएंगी तो एक या दो एडजस्टमेंट आती हैं, बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन आता है जो मैं आपको आज करा रहा हूँ, ठीक है। मतलब ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, बट इतना तो आएगा यार, इतना भी छोटा नहीं आएगा कि आपको वो 6 मार्क्स ऐसे ही दे दे, ठीक है ना। यहाँ तक जा रहा है ये पूरा क्वेश्चन, इन्होंने हिंट के लिए वो चीज़ें दी हुई हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली, आपको तो क्वेश्चन यहाँ तक मिलने वाला है, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप बच्चों के पास में जो भी बुक है उसमें क्वेश्चन होगा, ये पक्का होगा। मैं टी एस ग्रेवाल बुक की हेल्प लेते हुए आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। चलो तो इसमें पहले ना एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें कि भाई क्वेश्चंस में क्या क्या है, यानी कि हमें वर्किंग नोट बनाना है नहीं बनाना है वो भी हमें देखना होता है। तो कह रहे हैं प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ लिब्रा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2013 एंड 31 मार्च 2012। इन्होंने 13 और 12 का दिया, 12 एंड 13 आपको डाटा दिया हुआ है, ठीक है। करते क्या है, माइनस किस में से किसको करते हैं, क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस करते हैं, यानी कि 13 में से 12 को माइनस करते हुए चलेंगे यहाँ की फिगर्स, ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ अगर वाले सेक्शन में आप जाओगे तो शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में एक चीज़ दी हुई है, ट्रेड पेबल्स में एक चीज़ बस, ठीक है। यहाँ नोट नंबर में एक पॉइंट डला हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस के लिए, नोट नंबर देखना होगा हमें अभी हाथों हाथ। नोट नंबर में देखो, नोट्स में रिजर्व एंड सरप्लस के लिए बोला हुआ है, सरप्लस डेट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस 4 लाख रुपीज़ और 3 लाख रुपीज़, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस होगा उससे क्वेश्चन स्टार्ट होगा, है ना। क्योंकि नेट प्रॉफिट देखते हैं ना हम फॉर द ईयर, जब भी तो क्वेश्चन स्टार्ट होता है। वर्किंग नोट की यहाँ आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इन्होंने कोई प्रोविजंस या टैक्सेस के लिए कुछ नहीं बोला है, और ना ही हमसे रिजर्व वगैरह के लिए प्रोविजंस दिए हुए हैं, तो देर विल भी मतलब नहीं होने के वो, ठीक है। आगे देखें थोड़ा सा और क्या क्या होगा, एसेट्स दी हुई हैं, करंट एसेट्स में कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, बस करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही आते हैं, ध्यान रखना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में प्लस करके चलेंगे हम करंट इन्वेस्टमेंट को, एडजस्टमेंट जो करेंगे बस इन दोनों के लिए ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। चलो सर कैसे बनाना है, वहाँ पर फॉर्मेट क्या लिखेंगे, ऊपर तो आप लिख लोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ लिब्रा लिमिटेड, ठीक है। बस कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ लिब्रा लिमिटेड लिख करके यहाँ पर मैं ना आपको फॉर्मेट ज़रा बना करके दिखा देता हूँ। मैंने आपके लिए यहाँ पर जरा ये फॉर्मेट तैयार कर लिया है, ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो को ना खींचते हुए। ये सब क्वेश्चन नंबर 46 और यहाँ डाल देंगे हम ऐसे सॉल्यूशन नंबर 46, और बस देख रहे हो आप कुछ खास फॉर्मेट नहीं है, ऐसे करा बस, ठीक है। एक हमने बस कॉलम बनाया है ये जो मेन अमाउंट के लिए, बाकी हम कोई अगर कैलकुलेशन करनी होगी उसे इनर कॉलम में ही कर लेंगे, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अपने क्वेश्चन को सर, हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है अपना, देख पा रहे होंगे आप, सबसे पहले लिख देंगे हम इसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अब यहां पर नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है हमारा, यहां से देखेंगे हम उसे रिजर्व एंड सरप्लस में नोट दिया हुआ है इन्होंने, यहां मिल जाएगा आपको रिजर्व एंड सरप्लस, बैलेंस इन स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस 4 लाख और 3 लाख। तो माइनस करोगे आप क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे, 1 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 1 लाख रुपए के डिफरेंस को आप तुरंत बाहर लिखो इसे आउटर कॉलम में, ठीक। उसके बाद क्या करना है सर, बस उठाओ अपना हथियार और चलाना शुरू करो। सर कौन सा हथियार है, दिमाग आपका जो अकाउंट्स वाला है वो आपका हथियार है बेटा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसमें हम जाते हैं नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम्स के लिए, लेकिन इसमें कोई नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम्स नहीं है, तो हम डायरेक्टली जाएंगे अपने इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, इंक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में, सॉरी, ठीक है। तो ऐड कर लेंगे हम सबसे पहले क्या, जो अगर करंट एसेट में कोई अगर माइनस है तो उसे हम ऐड कर लेंगे, और अगर करंट लाइबिलिटी में अगर कोई प्लस है तो हम उसे यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि करंट लाइबिलिटी अगर बढ़ती हैं तो कैश आएगा, करंट माई करंट एसेट अगर घटती हैं तो भी कैश आएगा। तो चलते हैं पहले करंट लाइबिलिटी की तरफ,
ट्रेड पेबल्स है हमारे पास में 40,000 और 48,000 रुपये। तो 40 माइनस 48 करेंगे हम, 40 माइनस 48, तो 8,000 रुपीज़ हमारे माइनस में हो रहे हैं, ये देखो आप, ठीक है ना, माइनस के 8,000 आएंगे, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो ये पॉइंट तो इसमें नहीं जाएगा, वो जाएगा लेस में। लेस में क्यों जाएगा सर? क्योंकि करंट एसेट अगर प्लस हुआ हो तो माइनस में जाएगा कैश, करंट लाइबिलिटीज अगर माइनस हुई हो तो भी कैश माइनस में जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, ठीक है, कितने 8,000 रुपये। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे अपना करंट एसेट्स में आ जाओ, करंट इन्वेस्टमेंट लेंगे नहीं, इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल्स लेंगे। इन्वेंट्रीज कितनी है हमारी? 76,000 माइनस 82,000, ठीक है, माइनस हो रही है या माइनस हो रही है, तो प्लस में आएगा हमारा कैश जो है, क्योंकि करंट एसेट के अपोजिट में चलता है, यानी एसेट्स के अपोजिट में चलता है और लाइबिलिटीज के सेम चलता है, वो इक्वल चलता है। 76 माइनस 82 करेंगे तो कितना आएगा भाई? ये समथिंग समथिंग 6,000 रुपीज़ आ जाएंगे, है ना, सही हूँ मैं, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा है, 4 और 2 6, ठीक है, हाँ 76 माइनस 82,000 करेंगे हम। तो इन्वेंट्रीज में हमारा क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, इन्वेंट्रीज हमारी डिक्रीज हो रही है क्योंकि माइनस में आएगा आंसर 6,000 से, तो हम प्लस लिख लेंगे इसे, डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, ठीक है, कितना है ये? 6,000। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स को देखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल में भी माइनस ही हो रहा है, 38,000 माइनस 92, तो 38 माइनस 92 करेंगे कितना आएगा? 38 माइनस 92 करेंगे हम, तो माइनस क्या आएंगे हमारे पास में, तो हम इसे ऐसे तो कर नहीं सकते, तो 92 माइनस 38 कर लो, आने माइनस में ध्यान रखना, ये आ जाएगा 5, ठीक है, माइनस के 54,000 रुपीज़ आ रहे हैं, ठीक है। अब एक बात सोचो, ये डिक्रीज आ रहा है, डिक्रीज किस में आ रहा है? ट्रेड रिसीवेबल में आ रहा है, तो कैश हमारा प्लस होगा, ठीक है, कैश में इसे ऐड कर लो, ऐड वाली सिचुएशन में ले लो इसे, डिक्रीज इन क्या नाम है, ट्रेड रिसीवेबल्स, कितने थे हमारे ये? 54,000, ठीक है, दोनों का टोटल यहाँ लिख लो 60,000 और इसे लिख लो 8,000, ये लेस के हैं, ध्यान रखना, माइनस करेंगे बस, और कोई इसमें आएगा नहीं चेंज अब, ठीक है, करंट एसेट हो गई, करंट लाइबिलिटी होगी। इसके बाद हम करते हैं इसमें कोई टैक्स या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स की ट्रीटमेंट होगी तो वो भी हमें करनी होगी, एडजस्टमेंट होगी, बट इस क्वेश्चन में नहीं है, तो हम बस इसे ऐसे ही आंसर निकाल लेंगे। ये कितना आ रहा है? 160 हो जाएगा, माइनस 8 करेंगे, 1,52,000, ठीक है, ये क्या आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब इसे ना आप यहाँ पर ए करके डिनोट कर दो, ए करके डिनोट कर दो, क्या फ़ायदा मिलेगा इसका मैं आपको भी बताता हूँ, थोड़ी देर में ही बस आपको पता चल जाएगा क्या फ़ायदा मिलेगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आप सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी लिखकर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लैंग्वेज कैसे आप यूज़ कर रहे हो। चलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हम कहाँ जाते हैं? नॉन करंट एसेट्स में, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स में जो भी चेंज हो रहे होंगे वो बस सारे के सारे जाने वाले हैं आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। देखते हैं फिक्स एसेट्स में, इन्होंने एक चीज़ दी हुई है टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स कितना प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, ध्यान से देखो, 8,50 माइनस 5,60 करोगे आप, यानी कि 8,50,000 माइनस 5,60,000, 850 माइनस के 560, 0, 9 और 2, ठीक है, 2,90,000 रुपये जो आ रहे हैं आपके वो प्लस में आ रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है। तो हमारी ये जो होगी डिक्रीज होगी, कैश तो हमारा डिक्रीज होगा ना, क्योंकि एसेट बढ़ गया तो कैश हमारा घटेगा। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन टेंजेबल एसेट्स, ठीक है, 2,90,000। उसके बाद में हम क्या देखेंगे यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अब यहाँ पर हमने देखा था ना टेंजिबल एसेट्स हमारी प्लस हो रही है तो ये हमारी माइनस होगी, कैश जो है वो माइनस हो जाएगा, इसे लिख देंगे हम यहाँ पर, इंक्रीज इन टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स में अगर इंक्रीज हो रहा है तो कैश हमारा घटेगा, उसे माइनस में लिखेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम कोई भी एसेट खरीद करके लाते हैं तो लाएंगे एसेट्स, डेबिट वो होगा, जाएगा कैश हमारे पास से, कैश हमारे पास से क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होगी। चलो, उसके बाद एक इसमें टेंजिबल एसेट्स और थी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी, 2,32,000 माइनस के 1,60, ठीक है, उसे माइनस करो, कितना आएगा आंसर? क्या क्या अमाउंट है सर? 2,32 माइनस 162, और ये आ जाएगा 7 और 6 13, 72,000, ठीक है, 72,000 से प्लस हो रहा है ये भी, तो हमारा यहाँ माइनस होगा, क्योंकि इंक्रीज है ये भी, इंक्रीज इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे, ये आ जाएगा 2 और 6 इज़ इक्वल टू 1, ठीक, चलो
ठीक है, ये आ रहा है 3,62,000 रुपये। 3,62,000 रुपये जो आ रहा है ये हमारा क्या आ जाएगा आपका, 3,62,000 रुपये कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि माइनस में आ रहा है, ये माइनस में ही तो आ रहा है। हम इसे 3,62,000 लिखेंगे, और लिखेंगे इसे यहाँ पर कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्यों लिखा हमने यूज्ड इन, यूज्ड इन इसलिए लिखा है क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है, ठीक है। इसे हम माइनस में करके लिख कर लेकर चलेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्लस में आता है तो कैश फ्लो बोला जाता है, जैसे हमने अभी लिखा था कैश फ्लो या कैश फ्लो, ये वाला आंसर जो है, ठीक है। इसे डिनोट करके छोड़ दो, 20 है जो आंसर आते जा रहे हैं आपके, 20 छोड़ दो। आगे आओ, हमें आगे क्या लिखना है, फाइनेंस एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या देखते हैं, एक तो अपने शेयर होल्डर का फंड देखेंगे, शेयर कैपिटल वगैरह देखेंगे, और हम यहाँ पर क्या देख लेंगे, और हम देख लेंगे यहाँ पर अपना नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो ये है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में जाओ, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ये जो होंगे बस ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से ताल्लुक रखते हैं। शेयर कैपिटल 8 लाख की थी इनके करंट ईयर में, और लास्ट ईयर में थी 6 लाख की, 8 - 6 करेंगे तो 2 लाख रुपीज से आ रहा है पैसा हमारे पास में, शेयर कैपिटल बढ़ रही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज इन। अब यहाँ पर इंक्रीज वर्ड ना गलत होगा थोड़ा सा, इंक्रीज वर्ड मत लिखना, यहाँ पर लिखना प्रोसीड, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल लिख देना, उसमें बेनिफिट रहेगा आपको, थोड़ी लैंग्वेज का मतलब समझो। 6 लाख के थे, अब 8 लाख की हो गई है हमारी शेयर कैपिटल, तो ये जाहिर सी बात है कि हमने इशू करी होगी अपनी कैपिटल को, तभी तो हुआ है ऐसा, हमने कैपिटल को इशू कराया तब 2 लाख रुपये हमारे पास में है, तो इसे लिखते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस ट्रीट हो चुका, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और देखनी है, 1 लाख की थी, 50 की थी, अब 1 लाख की हो गई है, यानी 1,00,000 - 150 करेंगे तो 50,000 माइनस में आ रहा है आंसर, तो 50,000 माइनस में ही करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटीज़ के सेम चलता है, कैश लाइबिलिटी माइनस हुई तो कैश भी माइनस होगा, लाइबिलिटी प्लस हुई तो कैश भी प्लस होगा, ठीक है। इसे हम लिख देंगे क्या, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ठीक है। तो यहाँ लिखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पेड, ठीक है, ये कितना आएगा, 1,50,000 पॉजिटिव आएंगे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जी आंसर सही है हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1,50,000, बस इतना छोड़ देंगे इसे यहाँ पर। अब एक चीज़ और ध्यान से सुन लेना, इसे तो लिख दोगे आप कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, लेकिन अब इसे डिनोट कर देते हैं जरा सी से, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे लेके जाते हो, ठीक है। ये आपका पूरा एक ही पेज पर आ जाएगा क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने A4 साइज का पेपर ये यूज़ करा हुआ है, एग्जाम में कॉपी ठीक ठाक होती है तो आ जाएगा आराम से। ए प्लस बी प्लस सी को, इनको तीनों को प्लस माइनस करने के बाद में कैलकुलेशन देखनी होती है, हमें लिखना होता है नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ध्यान से देखो, ये 1,52,000 जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, पॉइंट नंबर ए में 152, बी का 362 है लेकिन वो माइनस क्या है, ठीक है, और सी में भी 150 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को पहले प्लस करके देखो कितना बैठ रहा है, ये बैठ जाएगा 1.5 लाख, 3 लाख, 3,02,000, तो ये हमारा नेट इंक्रीज नहीं डिक्रीज आने वाला है, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है ना, माइनस के ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैसे पता लगा, ए प्लस बी और प्लस सी ऐसे करो आप, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी करोगे आप जब, तो ए प्लस बी करोगे लेकिन बी तो माइनस में, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस का है, ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करो, इसे माइनस करोगे कितना आएगा आपका, 1,52,000 प्लस के 150, ये हो जाएगा 3,02,000 रुपये, 3,02,000 रुपये हो जाएगा इन दोनों का, क्योंकि प्लस प्लस वाले साइन है, प्लस कर लो, और ये 362 है, इसे माइनस करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा भाई 60,000 रुपीज़ डिक्रीज में, ठीक है, आंसर हमारा क्या आ रहा है, 60,000 रुपीज़ डिक्रीज क्या रहे हैं, यानी कि ये वाला आंसर, ठीक है। तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया 60,000। अब भी कुछ करना होता है, बिल्कुल करना होता है, इसमें हम ऐड करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हमें ये ना वहाँ जाकर पता लग जाएगा एग्जाम में, हम एग्जाम में ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। कैसे करेंगे चेक, जो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट स्टार्टिंग का होगा उसे ऐड करेंगे, जब एट द बिगनिंग जब उसे हम ऐड करेंगे
सर इससे क्या फायदा होगा, कैश एंड कैश इक्विलेंट मैंने आपको बता रखा है जब मैंने आपके लेक्चर्स लिए थे, कैश एंड कैश इक्विलेंट एट द बिगनिंग आप इसमें प्लस करो, ये माइनस क्या आ रहा है वो जो प्लस होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस करके जो आंसर आएगा ना वो आपका कैश एंड कैश इक्विलेंट एंडिंग वाला आ जाना चाहिए। कैसे कह रहे हो सर, समझो जरा, ये कैश एंड कैश इक्विलेंट है 94,070 और करंट इन्वेस्टमेंट भी हम इसमें प्लस कर लेंगे, तो ध्यान से देखो 94 और 50 कितना हो जाएगा, इन्हें एक जगह प्लस कर लेंगे, क्लोजिंग वाले जो है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैश इक्विलेंट कितना 94 कैश एंड कैश इक्विलेंट के, करंट इन्वेस्टमेंट मैं करके इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि इन्होंने ये दे दिया, तो आपको ना देख लेना एक बार ये करके 50 प्लस 94, ठीक है इन दोनों को देख लोगे आप एक बार, उसके बाद में कितना बैठ रहा है 1,44,000, ठीक। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विलेंट करंट इन्वेस्टमेंट करंट कैश एंड कैश इक्विलेंट का यहाँ से उठाएंगे, करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग ये रहा, ओपनिंग ये क्यों है सर, क्योंकि भाई ये 2012 का है वो 13 है, 12 पहले होगी तो ओपनिंग ये होगी क्लोजिंग ये होगी, ठीक है तो हम इसे उठाएंगे करंट इन्वेस्टमेंट 1,34,000 जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड देन उठाएंगे 70,000 कैश एंड कैश इक्विलेंट का ओपनिंग बैलेंस ही है, प्लस करा यहाँ आ गया, ठीक है। तो देखो ओपनिंग का ही ज़्यादा आ रहा है, ओपनिंग ज़्यादा आ रहा है हमारा, ओपनिंग हमारा ज़्यादा आ रहा है 2,04,000 रुपये आ रहा है, और ये आ रहा है क्लोजिंग का कम, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं तो यहाँ भी माइनस के ही आ रहा है आंसर, तो ध्यान से समझ रहे हो ये भी माइनस के आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, हम चेंज करके लिख देंगे 1,44,000 माइनस के 2,04,000, एक सेकंड कब दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा ऐसा मत करने लग जाना, क्या कह रहे हो सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इनका जो बैलेंस होगा जो डिफरेंस होगा वही तो आपका आंसर होना चाहिए, वही आपका आंसर आ रहा है ये 60,000 रुपीज़। करना कैसे है, कैश एंड कैश इक्विलिएंट एट द बिगनिंग उठा लो, एट द बिगनिंग में कितना था कैश एंड कैश इक्विलिएंट था आपका, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश एंड कैश इक्विलिएंट 2,04,000, ठीक है उसे यहाँ लिखो 2,04,000, ये पॉजिटिव का है वो माइनस है, वो नेगेटिव का है तो कैलकुलेशन करेंगे जो आंसर आएगा आपका 1,44,000 ही आएगा, यानी कि ये जो आंसर है आपका मैच कर जाएगा फिर किससे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड, इससे मैच कर जाएगा तब जाकर के आपका ये क्वेश्चन माना जाएगा कंप्लीट, ठीक है। हमें ये ना एग्जाम में पता लग जाएगा कि भाई हमारा डिफरेंस कितना आना चाहिए, तीनों एक्टिविटीज से ही हमारा आंसर पता लग जाएगा करने के बाद में, ट्रीटमेंट की भी हमारा आंसर कितना आना चाहिए वो तो हमें पहले ही पता लगने वाला है कि कैश एंड कैश इक्विलेंट ओपनिंग में इतना है क्लोजिंग में इतना है, या ओपनिंग में इतना क्लोजिंग में इतना, ट्रीट करके आप देख लोगे कि भी नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज फ्रॉम थ्री जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी, उन तीनों एक्टिविटीज़ से हमारा जो कैश एंड कैश इक्विलेंट का नेट इंक्रीज डिक्रीज है वो कितना आना चाहिए हमें स्टार्टिंग में ही पता लग जाता है, कैलकुलेशन करने के बाद में तो आपको बस चीज़ें सेट करनी होती हैं। सबसे बढ़िया बात कैश फ्लो स्टेटमेंट की यही है कि हम आंसर चेक कर सकते हैं भाई हम अपना कि भाई हम जो करके आए हैं वो सही है या नहीं है। चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।